नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। बीते रोज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में शिवरात्रि का कार्यक्रम भेल सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें चंडीगढ़ से मुख्य अतिथि के रूप में विकास वांगन जी तथा शीशपाल जी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसका भ्रमण भेल, आरा मशीन, सुभाष नगर, तिलक नगर और मेन रोड पर डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कलश यात्रा में भेल क्षेत्र के आसपास के गांव से भी लोग काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। कलश यात्रा में जगह जगह भगवान भोलेनाथ की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत उर्फ काजू महाराज, अरविंद तिवारी, राकेश शर्मा, राहुल त्रिपाठी समेत व्यापार मंडल के सभी लोगों ने भगवान भोलेनाथ की आरती की और प्रसाद वितरण किया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान शिव भोले बाबा के जयकारों से आसमान गुंजायमान रहा और शिव भोले बाबा का ध्वज भी फहराया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। झांसी प्रभारी बीके प्रतिभा तथा भेल के बीके सरोज बहन, बीके गोल्डी बहन, बीके चित्तर सिंह, बीके नरेंद्र वर्मा, बीके गोविंद, अनिल भैया, आरा मशीन VHEL डॉक्टर शिखा और मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन का भी फूल मालाएं पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कलश यात्रा में आसपास के लोगों और आश्रम के भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए खैलार से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। अच्छा मैडम, यहाँ पे आज प्रोग्राम हुआ है आश्रम में, तो उसके बारे में क्या बताऊँगी आप? अरे वो माइक चलाया, जन जन को ईश्वरीय संदेश देने के उद्देश्य से ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे मनुष्य जीवन के अंदर मूल्यों का विकास हो। जो आज व्यक्ति हर प्रकार से डिप्रेशन में तनावग्रस्त हो चुका है, भयभीत है, तो उसके जीवन में सुखमय बनाया जाए, शांतिमय बनाया जाए, उसको टेंशन फ्री बनाया जाए, इसी उद्देश्य से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैडम, ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगी आप? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये शोभा यात्रा आज़ादी के महोत्सव से स्वर्णिम आयोजन की हो, इसी के अंतर्गत निकाली गई है कि जन जन को ईश्वरीय संदेश कैसे दे और व्यक्ति अपनी बुराइयों से कैसे स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। हमारे चैनल के माध्यम से देश के वासियों से क्या कहना चाहूँगी मैडम आप? हमारे चैनल के माध्यम से इस देश के लिए क्या कहना चाहूँगी आप? हम इस देश के लिए यही कहना चाहेंगे कि ये जो देश है, जो विश्व गुरु के दर्जे पे था और पुनः इसको विश्व गुरु बनाना है, इसलिए हर भारतवासी को अपनी मूल संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति है, उसको अपनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। सर, ये शोभा यात्रा निकली है, इसके भव्य स्वागत में क्या कहना चाहूँगी आप? शोभा यात्रा निकली, इसके स्वागत में क्या कहना? इसके तहत हमारा सब जन जन तक भगवान का संदेश देना है कि वो इस धरती पर आ गया है, और इसके लिए क्योंकि आज हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान देने के लिए हमने यह संस्था निकाली है, जिसके जनता है जो भी है तो सबको उसका संदेश देने के लिए हमने कहा कि इस धरती पर आ गया है और आकर के संसार पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।